हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली डेकोर, जो बहुत इजी तरीके से मैंने बनाए हैं। आप जहाँ भी इनको सजा देंगे, जहाँ भी इनको रख देंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, दिवाली की शुरुआत होते ही डस्टिंग क्लीनिंग के साथ साथ होम डेकोरेशन की भी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। वो भी शुरू हो जाती है कि किस तरह से इस बार घर को डेकोरेट करना है, किस तरह से कहाँ सजाना है। प्लानिंग तो मेरी चलती रहती है, तो डस्टिंग क्लीनिंग भी अपनी जगह शुरू हो गई है, वो भी हो रही है। और बीच बीच में मैं कुछ दिवाली डेकोरेशन के लिए कुछ डेकोर बनाना भी शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो दिवाली डेकोर दिखाऊंगी, बहुत आसान तरीके से। इतने इजी है कि आप घर में रखे हुए सामान से ही उसको बना सकते हैं, मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हैं मार्केट से लेकर के, तो लगा सकते हैं उसमें कुछ चीज़ें। अगर नहीं लगाना चाहते तो घर पर इतनी चीज़ें रहती हैं कि उनसे आप वो डेकोर बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि उन्हें मैंने कैसे बनाया है। और हाँ, अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसे लगे। चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ 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 ज़रूर कर लें एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब। इस डेकोर को बनाने के लिए हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े को ट्रायंगल में कट कर लिया है। कार्डबोर्ड को ना बहुत ज़्यादा मोटा लें, ना बहुत ज़्यादा पतला लें। अब इन्हें जो एक्रेलिक कलर आते हैं उनसे हम इन्हें कलर कर देंगे। थोड़े से ब्राइट कलर ही करें, क्योंकि दिवाली के लिए बना रहे हैं तो थोड़े से कलरफुल अच्छे लगेंगे। ये देखिए, थोड़े शाइनिंग वाले कलर भी हैं और सिंपल वाले कलर भी हैं। तो सभी मैंने इनको कलर कर लिया है डिफरेंट कलर में। रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और येल्लो है। क्योंकि दिवाली है तो दिवाली पे थोड़े से कलरफुल अच्छे लगते हैं। बहुत सारी माला हमारे पास पुरानी डली रहती है, उन्हीं को मैंने तोड़ लिया है, तो ये मेरे पास बहुत सारे मोती निकल आए हैं। ये घंटी है जो रखी हुई थी मेरे पास। अब हम थोड़ा मोटा सा थ्रेड लेंगे और उसमें हम इसे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे और ये जो पीछे का धागा है उसमें से हम जो अपनी नेडल है उसको निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये एक गांठ लग जाएगी और ये मजबूत भी हो जाएगी। अभी हम इसमें बाकी के मोती भी डाल देंगे। ये देखिए, रेड डाल दिया मैंने, ग्रीन भी है, तो कुछ में ग्रीन डले हैं, कुछ में रेड डले हैं। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा उसमें मोती डाल देंगे। जैसा आप डालना चाहें वैसे डाल सकते हैं। एक लड़ी में जितने भी मोती डाल लें वो एक साथ डाल लें तो काम आसान हो जाएगा, बार बार हमें मोती नहीं डालने पड़ेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे मोती डाल लिए हैं। अब हम इसमें अपने जो ट्रायंगल हमने कट करके रखे थे कलर करके, उनको चिपकाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रख के देखेंगे कहाँ से कहाँ तक हमें चिपकाना है। एक साथ मोती डालने से बहुत आसान हो जाता है बनाना। तो देखिए, इसमें हम लगाएंगे ग्लू, पीछे साइड ग्लू लगाएंगे, उसी के ऊपर हम हमारा जो थ्रेड है उसको हम रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा। और इसे थोड़ा सा टाइटली सिक्योर करने के लिए एक छोटा सा कागज का टुकड़ा इसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि अच्छे से टाइट चिपक जाए और ये धागा निकले ना इसमें से। इसी तरह से हमें अपनी सारी लड़ियाँ बना लेनी है, छोटी बड़ी लड़ी बनानी है। ये देखिए, सारी लड़ियाँ हमने बना ली हैं। सबसे बड़ी लड़ी जो मैंने बनाई है उसमें 6 ट्रायंगल लगे हैं, उसमें फिर उसके बाद 2 मैंने 5 की बनाई है, 2 4 की बनाई है और 2 3 की बनाई है। आप जिस तरह से बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। 10 से 12 इंच लंबी लकड़ी लेंगे हम। ये मेरी बीडिंग की लकड़ी है, तो इसे मैंने सजाया नहीं है। अगर आपके पास प्लेन लकड़ी हो तो आप उसे डेकोरेट कर लें। और इसमें हम ये जो हमने लड़ियाँ बनाई हैं उनको हैंग कर देंगे। तो सबसे बड़ी जो लड़ी है उसे हम बीच में हैंग करेंगे, उसके बाद छोटी बड़ी इस तरह से हम उसमें हैंग करते जाएंगे। ये देखिए, बांध दिया है। ये देखिए, बनकर के तैयार है। लकड़ी को भी मैंने थोड़ा सा फ्लावर से डेकोरेट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर थ्रेड दिख रहा था जहाँ पर हमने गांठ लगाई थी। लकड़ी में एक डोरी लगा दी है, जिससे कि आसानी से इसे हैंग किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान है इसे बनाना और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैंने इसमें लाइटिंग लगाई है। अभी दिवाली पर जब मैं लाइटिंग के साथ इसे दिखाऊंगी तो आप बताइएगा कि ये कैसा लगा है, और अभी ये कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा। दूसरा DIY बनाने के लिए हम थोड़ा सा थिक पेपर लेंगे और इसे हम फ्लावर की शेप में कट कर रहे हैं।
या फिर इसे हम दिया भी कह सकते हैं कि एक दिया का आकार है, क्योंकि हम दिवाली के लिए बना रहे हैं, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा दिए का आकार दे दिया है। आप चाहें तो रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या फिर राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। ये देखिए कट गए हैं और बहुत सारे मैंने इन्हें कट करके रख लिए हैं। तो अभी हम इन पर कलर करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो एक्रेलिक कलर लिया है हमने इसे करने के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल कलर भी अगर आपके पास है तो उनसे भी आप कलर कर सकते हैं, ये देखिए। या फिर आप कलर पेपर भी लेकर के, अगर आपको कलर पेपर थोड़ा मोटा मिल जाए तो आप उससे भी ये बना सकते हैं, तो आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जीरो बजट में मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे कार्डबोर्ड का बनाया है। और ये देखिए कलर थोड़े से डार्क कलर लिए हैं, क्योंकि दिवाली के लिए बनाना है तो थोड़े से डार्क कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो भी डेकोर बनाए वो ब्राइट होना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। अभी हमने ली है चूड़ियाँ। ये देखिए पुरानी चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी घरों में डली रहती हैं। इन पर हम ऊन लपेटेंगे, तो चार चूड़ियों से बना करके एक चूड़ी बन जाएगी हमारी। तो इसी तरह से मैंने ये तीन चूड़ियाँ बनाई हैं, ये देखिए। अब इन चूड़ियों को भी हम थोड़ा सा डेकोर करेंगे। पीली और हरी ऊन से ही हमने थोड़े से फ्लावर बनाए हैं, ये पेंसिल से बनते हैं, किसी दिन आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने सुंदर बन गए हैं। कुछ लेसेस लिए हैं जिससे हम चूड़ियों को डेकोरेट करेंगे, घंटी है और बीट्स हैं। चूड़ी पर हम थोड़ा लेस लगा के फिर डेकोर कर देंगे इसको। तो फेविकोल लगाना है, उसके बाद उस पर लेस लगा देनी है। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ बन गई हैं। येलो और ग्रीन ऊन को मिलाकर के हमने एक मोटा धागा तैयार कर लिया है, और ये देखिए उसमें हमने चूड़ियों को बांध दिया है। तो अभी हम इसमें ये जो हमने फ्लावर कट किए थे उनको लगाएंगे। जिस तरह से हमने अभी पिछले डेकोर में लगाए थे फ्लावर, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है। ये देखिए पूरे फ्लावर पर हम लगा देंगे ग्लू, और जो पीछे एक और फ्लावर हमने काटा था उसको हम इसे पीछे तरफ से लगा देंगे, जिससे कि ये अगर घूमेंगे तो ये दोनों तरफ से एक जैसे दिखे और बहुत सुंदर भी लगेंगे। फ्लावर भी लगा लिए हैं मैंने बीच बीच में। ये देखिए ये बीट्स हैं, ये मार्केट में मिलते हैं, बहुत आसान है इन्हें लगाना। इनके पीछे ग्लू रहती है और बस निकाल के इनको चिपका दीजिए, ये बहुत आसानी से चिपक भी जाते हैं। आप चाहें तो घर के में रखे हुए मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी हमने ली है ये हमारी खाली डिब्बी हो जाती ना, उनकी हमने कैप ली है और इनको हम कलर करेंगे। तो हम यहाँ इसमें रेड कलर कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई और भी कलर कर सकते हैं। इन कैप को भी हम लेस से डेकोर करेंगे, जिससे कि ये भी बहुत सुंदर लगेंगे। झालर हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इनमें जो कैप हमने बना के रखे थे उनको लगाएंगे। अब बस ग्लूगन की मदद से इन कैप को हम चूड़ियों के ऊपर चिपका देंगे और इनके ऊपर रखेंगे दिया। ये देखिए बनकर के तैयार है, और अभी मैंने इसे ऐसे ही वॉल पे हैंग कर दिया है। दिवाली पर इन्हें हम अलग जगह लगाएंगे, तब हम आपको फिर से दिखाएंगे लाइटों के साथ। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक दिए रख सकते हैं जो अच्छे लगेंगे। और इसमें ये क्या बहुत छोटा सा राउंड है, इसलिए इसमें हम जलने वाले दिए हैं जो है, ये जो दिए हैं ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी जो लौ निकलेगी तो ऊन गिरने का डर। या तो फिर यहाँ पर जो हम राउंड सर्कल लिया है वो बड़ा सा लें, तो उसमें आप ये वाले दिए रख सकते हैं, और अदरवाइज आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक दिए जो मार्केट में आते हैं वो रख दीजिए, तो ये बहुत सुंदर लगेगी। तो गाइज ये दोनों दिवाली डेकोर लग रहे हैं ना बहुत सुंदर, तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी बना लीजिए। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।